लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। वो प्रियंका चोपड़ा से जरूर मिलेंगे, लेकिन हमारे किसान भाइयों से नहीं मिलेंगे। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के होलसेलर हैं, मोदी जी जो है झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं, मोदी जी जो है झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। यही बात अगर हम लोग पूछे, भाई मोदी जी तो कहते थे कि 2022 में आए दोगुना कर देंगे किसानों का, कि आए दोगुना तो छोड़िए, गरीब गरीब होता चला गया, अमीर अमीर होता चला गया। आप लोगों के समक्ष रखा कि मुद्दे की बात नहीं होती है, मोदी जी की बात होती है। मुद्दे की बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए। और यही बात अगर हम लोग पूछे, भाई मोदी जी तो कहते थे कि 2022 में आए दोगुना कर देंगे किसानों का, हुआ कि नहीं हुआ? ये तो बात सामने आई गई है कि आए दोगुना तो छोड़िए, गरीब गरीब होता चला गया, अमीर अमीर होता चला गया। ये सच्चाई है, ये बिहार की तो सच्चाई है ही, लेकिन देश की भी सच्चाई। आज पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे, प्रधानमंत्री जी से 2 मिनट वक्त चाहते हैं कि अपना दुखड़ा जो है वो अपने देश के प्रधानमंत्री के सामने रखे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। वो प्रियंका चोपड़ा से जरूर मिलेंगे, लेकिन हमारे किसान भाइयों से नहीं मिलेंगे। देखिए, कई तरह की बातें वो करते रहते हैं, हमको उस पर जाना नहीं है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है और मेरा समर्थन है, और इस आंदोलन में हम आपके भागीदार हैं कि एमएसपी जो है आप लोगों को मिलना चाहिए, उससे कम कुछ नहीं होना चाहिए। और आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि हम लोगों की कोशिश लालू जी के समय में, राबड़ी जी के समय में बाजार समिति था, मंडी था, वो नीतीश कुमार जी के आने के बाद उन्होंने खत्म कर दिया। किसके पास घर नहीं है, किसके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए भी हम लोग आर्थिक मदद का योजना बना रहे थे। जो बेरोजगार होंगे उनको 2 लाख का सहायता हम लोग करने जा रहे थे, जो भूमिहीन थे उनको 1 लाख का मदद कर रहे थे ताकि वो जमीन ले लें, और जिसको घर बनाने का पैसा नहीं उसको 1,20,000 का मदद हम लोग करने जा रहे थे। ये योजना हम लोगों ने बनाया था ताकि किसी भी प्रकार से गरीबी जो है वो कम हो, और इसका कुल जो बजट था लगभग 2,500,000 करोड़ का जो बजट था, हम लोग मांगते रहे विशेष सहायता मिल जाए। भारत सरकार से डबल इंजन की सरकार है। चलो, अब तो उम्मीद करते हैं कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मोदी जी दे दे या स्पेशल पैकेज दे दे। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ किसान के लोग आए हैं, यहाँ सभी किसानों ने अपनी बात को यहाँ रखा, हम इनको भी सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के होलसेलर हैं, मोदी जी जो है झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं, मोदी जी जो है झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो इसलिए आप सब लोग जागरूक समाज है, हम लोग चाहते हैं कि समाज का अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति का विकास हो, और हम लोग चाहते हैं सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों को आर्थिक न्याय मिले। इसकी लड़ाई हम लोगों को आगे लड़ने का काम करना है, गरीबी मिटाने का काम करना है। जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया, लेकिन मोदी जी ने तो मना कर दिया था, हम लोग खुद गए थे, मिले थे, बात को रखा था, लेकिन अभी हम लोगों को यही योजना था कि जाति आधारित गणना तो हो गया, कौन समाज का कितना लोग है, लेकिन उसमें ये भी हम लोगों ने निकलवाया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।